हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन कौशिक और आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। कैसा था आज का बाजार और क्या रहेंगे लेवल्स कल आने वाले दिन के लिए? सबसे पहले दोस्तों निफ्टी के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी में देखिए काफ़ी दिनों से हम लोग एक ये लेवल को मार्क करके चल रहे थे, 18,450 का लेवल। हम कंटिन्यूस इसको सपोर्ट लेवल को हम रेजिस्टेंस मान के चल रहे थे। इससे पहले भी यहाँ पे मार्केट ने 18,450 से ही काफ़ी शार्प सेलिंग दिखी थी, दोबारा 18,420 के अराउंड से यहाँ पे सेलिंग दिखी थी और अभी कल के दिन मार्केट ने 18,200 का लो लगा के और वहाँ से स्ट्रेट यहाँ पे मार्केट में बाइंग आई है, काफ़ी शार्प बाइंग आई है और आज मार्केट ने फाइनली 18,500 का लेवल टच कर लिया है। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 5 मंथ के बाद 18,500 का लेवल टच किया और 18,450 के लेवल को आज ब्रेक कर दिया हमने मार्केट ने। हम काफ़ी दिनों से ये लेवल वॉच कर रहे थे, तो अब कल के दिन के लिए और आने वाले वीक के लिए क्या प्लानिंग रहेगी निफ्टी की, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट के सपोर्ट डिसाइड कर लेते हैं। देखिए अभी मार्केट जो है 18,491 में बंद हुआ है, तो यहाँ पे हम इस सिनेरियो में 18,450 से 420 का जो एरिया है, 18,420 का जो एरिया है, इसको हम लेके चलेंगे अपना सपोर्ट वन अभी करंट सिनेरियो में निफ्टी के लिए। और उसके नीचे जो हमारे पास सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 18,350 से 18,300 का जो लेवल है, ये रहेगा हमारे लिए सपोर्ट टू निफ्टी के लिए। अगर उसके नीचे का सपोर्ट है तो वो आप सब लोग को हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, आप लोगों ने देखा होगा कि 18,200 और 18,050 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इन केस मार्केट जस्ट 18,500 के पास से ही रिटर्न कर जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो मार्केट में अभी करंट सिनेरियो में सपोर्ट रहेंगे वो रहेंगे 18,450 से 420 का जो है रहेगा हमारे लिए सपोर्ट वन, और सपोर्ट टू हमारे लिए रहेगा 18,300 का एरिया। अगर मार्केट इसके नीचे फिसल जाता है यानी 18,500 के पास सस्टेन करने में अनसक्सेसफुल हो जाता है और मार्केट 18,300 के नीचे निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट जो है, हम नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट में मूवमेंट प्लान कर सकते हैं वो 18,050 तक की मूवमेंट हम वापस प्लान कर सकते हैं मार्केट में, यानी इसको हम एक फॉल्स ब्रेकआउट के तरीके से देख लेंगे। सो अभी मार्केट 18,450 बंद हुआ है, तो इसके लिए अब ऊपर की क्या रेंज रहेगी और ऊपर के क्या रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे डेली चार्ट में देखते हैं। देखिए डेली चार्ट में हमने 18,450 का लेवल इसलिए मार्क किया था क्योंकि यहाँ पे ये डेली चार्ट में एक अच्छा लेवल नज़र आ रहा था और उसको काफ़ी रिस्पेक्ट भी किया मार्केट ने, एक दो बारी यहाँ से वापस भी हुआ है। तो अभी इसके बाद निफ्टी में 18,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, यानी कि मंडे को अगर मार्केट 18,500 और उसके ऊपर ही ट्रेड करता है, तो ऐसे में निफ्टी में जो नेक्स्ट लेवल है वो है यहाँ पे 18,700 का जो लेवल है, ये रहेगा रेजिस्टेंस वन, और उसके ऊपर मार्केट में जो है रेजिस्टेंस टू जो है वो रहेगा लाइफ टाइम हाई का जो है 18,885 के अराउंड। क्यों यहाँ पे हमारे पास 18,500 के पास सीधा 18,700 का लेवल है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने काफ़ी शार्पली यहाँ पे जब इस लेवल को ब्रेक किया था 18,400 के लेवल को, तो एक स्ट्रेट मूवमेंट देखने को मिली थी यहाँ पे 2-3 के लिए और उसके बाद काफ़ी स्ट्रेट फॉल भी देखने को मिला था मार्केट में। तो यहाँ पे बीच में जो एक यहाँ पे मार्केट ने एक ये स्विंग लिया था यहाँ पे जिसको जो हम देख सा रहे हैं, तो ये जो स्विंग लिया था इस स्विंग का जो हाई है इसको हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके चलेंगे 18,700 के लेवल को निफ्टी के लिए। सो यानी आने वाले वीक के लिए ये प्लानिंग है कि अगर निफ्टी 18,500 के ऊपर सस्टेन कर पाती है और यहाँ पे अगर ये बाइंग कंटिन्यू हो पाती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी में 18,700 का हमें नेक्स्ट टारगेट जो है निफ्टी में होता हुआ देखने मिलता है। अगर मार्केट 18,430-18,450 के ऊपर ही सस्टेन रहता है और 500 के पास ही ट्रेड करता रहता है, तो आइए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी आज मार्केट अगेन ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के पास दोबारा आती। देखिए बैंक निफ्टी ने कल के दिन जो है मार्केट 43,400 के अराउंड का लो लगाया है मार्केट ने। पिछली बार जो लो था वो 43,450 का था, इस बार ऑलमोस्ट 43,400-390 के पास से वापस हुआ है और डेली चार्ट में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी दिनों से मार्केट जो है ऑलमोस्ट फ्रॉम 12th May जो है मार्केट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मे मार्केट ने इसी एरिया में ट्रेड करता हुआ गुजार दिया, जो कि है 43,400 से 44,150 का लेवल। सो आने वाले वीक के लिए क्या प्लानिंग रहेगी बैंक निफ्टी की, उसके बारे में बात करते हैं। इस चार्ट को एक बार वापस 15 मिनट्स पे ले जाते हैं हम। यस, तो बैंक निफ्टी में मार्केट ऑलमोस्ट जो है अपने लाइफ टाइम हाई के जस्ट पास ही है इस टाइम और 43,996 यानी 44,000 के लेवल पे बंद हुआ है। तो ऐसे में डाउनसाइड में हमारे जो सपोर्ट हैं वो ये रहेंगे कि 43,750 का जो एरिया है ये हमारे पास रहेगा सपोर्ट वन, और जो मार्केट में उसके नीचे है 43,450 से 400 का जो एरिया ये रहेगा मार्केट में सपोर्ट टू बैंक निफ्टी के लिए। अपसाइड में एक ही रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो है 44,150 का लेवल, ये रहेगा बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस वन। ऊपर की साइड में मार्केट 44,000 पे क्लोज हुआ है, तो 44,100 से 44,151 का जो यानी लाइफ टाइम हाई का जो ये एरिया है ये रहने वाला है यहाँ पे
रेजिस्टेंस वन और एक ही रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए आने वाले वीक के लिए, और हम देखेंगे कि मार्केट क्या मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई यहाँ पे बैंक निफ्टी में ब्रेक कर पाएगा या नहीं, और या निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के पास पहुँचेगा या नहीं। तो ऊपर में 44,100 से 44,150 का जो लेवल है यही रहेगा बैंक निफ्टी के लिए एक लौता रेजिस्टेंस अभी हमारे लिए, और हम देखेंगे वेट करेंगे इस चीज़ के लिए कि क्या बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर पाता है या नहीं। तो दैट्स इट दोस्तों, ये रेंज मेरी आज के दिन के लिए और आने वाले वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आई होप आपको हमारी रेंज से ट्रेड करने में कुछ हेल्प मिली हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।